हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एबी स्टूडियोज हिंदी। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं एबी स्टूडियोज का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं थ्री वे ग्रिप आर्म ट्राइपॉड। जी हाँ दोस्तों, ये है एक एक्शन कैमरा ट्राइपॉड या फिर आप इसे ग्रिप भी कह सकते हैं, और हमने इसको परचेस किया है अमेजोन से। और जिस कंपनी का है ये, उसका नाम है हाइफिन। ये एक गाजियाबाद बेस्ड इंडियन कंपनी है जो कि गोप्रो और अलग अलग DSLRs के लिए एसेसरीज वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, जिसका डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अमेजोन पे जाके इनकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है उसको आप परचेस भी कर सकते हैं। तो एक थैंक यू कार्ड मिला हमें हाइफिन के तरफ से। तो अब आइए बात करते हैं हमारे थ्री वे ग्रिप आर्म ट्राईपॉड के बारे में। आप इसे एज ए मोनोपॉड यूज कर सकते हैं, एज ए सेल्फी स्टिक यूज कर सकते हैं, एज ए ट्राईपॉड यूज कर सकते हैं, एज ए ग्रिप यूज कर सकते हैं। और ये बेसिकली GoPro 5, 6, 7, 8, 9 या फिर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन कैमरा आप यूज करते हैं उन सब के लिए कंफर्टेबल है। देखिए आप इसमें मोनोपॉड स्टैंड, मिनी ट्राईपॉड सब कुछ आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी पैकिंग में आपको मिलता है, ठीक ठाक पैकिंग है, डिसेंट साइज का बॉक्स है। बॉक्स पे कहीं पे भी कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया है। थ्री वे ग्रिप आर्म ट्राईपॉड पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ आपको कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसमें कंपनी का एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर, इसकी प्राइस, GoPro एसेसरीज के कैटेगरी में आता है ये। GoPro थ्री वे आर्म इसका नाम है, जनवरी 2021 में हुआ है मैन्युफैक्चर, और 1200 रुपये इसका प्राइस है। बट हमने इसको खरीदा है मात्र 650 रुपये में। अगर आप GoPro का ओरिजिनल थ्री वे आम खरीदने जाएंगे तो लगभग आपको 5000 रुपये का पड़ेगा, ऑलमोस्ट $70 के आसपास GoPro की वेबसाइट पे लिस्टेड है। इंडियन करेंसी में देखेंगे तो आपको 5000 रुपीज का मिलेगा। वो बात करें मैक्सिमम लोड कैपेसिटी की, 500 ग्राम तक का वजन उठा सकता है ये। लेंथ ऑफ एक्सटेंशन 20 to 62 सेंटीमीटर। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना हुआ है, इसका खुद का वेट है 204 ग्राम, और ये ब्लैक कलर में आपको मिलता है। नो डाउट आपको GoPro का जो ओरिजिनल ट्राइपॉड आता है उसके जैसी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, बट स्टिल 5000 और 650 में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। फटाफट बॉक्स को ओपन कर चुके हैं हम, और अब आपके सामने है थ्री वे आर्म ट्राइपॉड। साथ में आपको मिल जाएगा एक स्क्रू GoPro को माउंट करने के लिए। एक यूनिवर्सल स्क्रू है जो कि GoPro की बाकी एक्सेसरीज में भी लग जाता है। इसके साथ ही आपको एक हैंग करने के लिए भी मिल जाएगा, जिसको आप फोल्ड करने में यूज कर सकते हैं। काफी डिसेंट साइज का है ये। क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक है, सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपको होल्ड करने में हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे थ्री आर्म ट्राईपॉड को। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना हुआ है ये, इसको निकाल लेते हैं बाहर। और ये आप सामने देख रहे हैं, सामने जो इसका हैंडल है उसमें रबर का कोटिंग किया हुआ है, जो कि डिसेंट है। एज सच कुछ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट 650 के हिसाब से मुझे डिसेंट लग रहा है। साथ ही एक बटन जिसको प्रेस करके आप फर्स्ट आर्म को निकाल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा ट्राईपॉड, जिसको हम निकालेंगे बाद में। यहाँ पे आप देखेंगे एक बटन है, जिससे फर्स्ट आर्म को रिलीज करने के लिए आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। डिसेंट अच्छा ग्रिप है इसका, पकड़ने में बहुत आसान है। और यहाँ पे आपको एक स्क्रू टाइप का मिल जाता है, जिससे आप इस आर्म को टाइट या लूज कर सकते हैं। बट हमेशा इसको जब भी आप पूरी तरह से फिक्स कर देंगे तो अनलॉक करने के लिए आपको यह बटन प्रेस करना ही पड़ेगा। अब देखेंगे जिस बटन को प्रेस करके आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, उसके बाद आप इस स्क्रू को यूज करके इसको किसी भी पोजिशन में होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो तीसरा आर्म है उसको भी अनलॉक करने के लिए आपको ऐसा ही स्क्रू ऊपर की तरफ मिल रहा है, जो कि आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से आप तीसरा आर्म भी रिलीज कर सकते हैं, और सबसे ऊपर में आप GoPro माउंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके आर्म्स को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें से निकाल भी सकते हैं। आप देखेंगे काफी ज्यादा डिसेंट है, और 5000 और 650 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियरली आपको दिख जाएगा। अगर आपने कभी GoPro का ओरिजिनल एक्सेसरी यूज किया है, जब आप उसका आफ्टर मार्केट थर्ड पार्टी मटेरियल यूज करते हैं तो क्वालिटी में डिफरेंस तो दिखता ही है। और यहाँ सबसे ऊपर माउंट होता है हमारा GoPro, जिसमें आप GoPro 5, 6, 7, 8, 9 माउंट कर सकते हैं। अगर आपका पुराना GoPro है तो उसके साथ तो ये मिलता था,
बट रिसेंट जो नए 8 और 9 GoPros आते हैं उनके साथ इस तरह का कोई भी एक्सेसरी आपको नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरह से आप करेंगे GoPro को यहाँ पे माउंट, साथ में आपको स्क्रू दिया हुआ है जिसमें होल्स को मैच करके आपको सिर्फ टाइट कर देना है और आपका GoPro फिक्स हो चुका है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, एज ए सेल्फी स्टिक, एज ए ट्राईपॉड, एज ए मोनोपॉड, जैसे आप चाहें वैसे इस चीज को यूज कर पाएंगे आप। यहाँ पे आपको बस टाइट करने के लिए दिया हुआ है, आप अलग अलग आर्म को इंडिविजुअली टाइट कर सकते हैं और एक सिलेक्टेड पोजीशन में डाल सकते हैं उन सारी चीजों को। साथ ही नीचे की तरफ है आर्म जिसपे अच्छा खासा रबर का ग्रिप दिया हुआ है जिससे वो फिसलेगा नहीं, और प्लास्टिक का है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं वैसे, बट स्टिल आपको सेफ रखना होगा। और यहाँ सबसे नीचे की तरफ आपको मिल जाता है एक मिनी ट्राईपॉड जिसे कुछ इस तरह से रोटेट करके आप ग्रिप से बाहर निकाल सकते हैं, और ये ग्रिप अंदर से हॉलो है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ट्राईपॉड को आप प्लेस कर सकते हैं जब आपको यूज ना हो, कुछ ऐसा दिखता है ट्राईपॉड। और यहाँ पे जो हैंगर अपने हमने आपको दिखाया था इससे पहले, उसको आप फिक्स कर पाएंगे। तो आपके सामने है एक ट्राईपॉड, इसका ऊपर का हिस्सा आप निकालेंगे तो आप GoPro को यहाँ पे भी माउंट कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर का हिस्सा कुछ इस तरह से, अगर आप इसको पुश करेंगे तो निकल जाएगा, और यहाँ ऊपर में भी आप GoPro माउंट कर सकते हैं और इस चीज का एज ए ट्राईपॉड यूज कर सकते हैं। एज ए मिनी ट्राईपॉड आप किसी भी पोजिशन में इसको रख सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी डिसेंट है, बट इस चीज को ये एक्चुअली मेरे पास पहले से ही है, इसको आप जब समय के साथ साथ यूज करते जाएंगे तो ये काफी ज्यादा लूज हो जाता है, बट स्टिल अच्छी तरह से काम कर देगा। और कुछ इस तरह से वापस से अंदर रख के आप इसको टाइट कर देंगे। तो बस इस प्रोडक्ट में इतना ही था दोस्तों, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज -in उनका जो वेबसाइट है वहां जाके भी आप इससे रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।